जिला मुख्यालय गोपेश्वर में राज्य स्तरीय गर्ल्स वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेल विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 14 टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं कोटद्वार से आई खिलाड़ी आरती बताती हैं कि आज लड़कियां देश भर में अपनी प्रतिभाओं से अपना परचम लहरा रही हैं। खेल की दुनिया में हर जगह अपने देश का नाम रोशन कर रही है। वहीं खेल अधिकारी बताते हैं कि प्रदेश भर में 14 टीम मैं इस आयोजन में भाग ले रही हैं। खेल विभाग की ओर से आयोजित इस पूरे प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाली टीम को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। खेल निदेशालय उत्तराखंड के मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन चमोली के सौजन्य से राज्य स्तरीय बालिका ओपन वर्ल्ड की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जिला मुख्यालय गोपेश्वर में किया जा रहा है और इसमें पूरे प्रदेश की 14 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। और यह जो प्रतियोगिता है यह लीग कम नॉकआउट बेसिस पे आयोजित की जाएगी तथा विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग चमोली के द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त श्री आदर्श पंत जी क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी उनके पिताजी की पुण्य श्री विनोद पंत जी की पुण्य स्मृति में उनके द्वारा विजेता टीम को 11,000 तथा उपविजेता टीम को 7,000 रुपए की धनराशि भी आवंटित की जाएगी। बहुत फायदा होता है हमें जो है कि नॉलेज हो जाती है इन सब के बारे में कि कैसे कैसे जो है लड़कियां यहाँ पे खेलती है और कैसी कैसी जगह में मतलब अकेले जाने का ट्रैवल एक्सपीरियंस भी हो जाता है सबको। यहाँ पे वैसे तो रास्ता बहुत लंबा था, 12 घंटे कम नहीं होते ट्रैवल करने के लिए, तो ठीक था। मतलब किसी किसी की थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, फिर भी हम यहाँ पे हैं, खेलेंगे।